श्रुति पुराण मालयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शांति 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 प्रज्ञानं सुप्रदानैः स्थिरचरणिकरणं व्याप्यभिर्व्याप्य लोकान् भोगान् सरिष्ठान् पुनरभीषणोद्भासितान् कामजन्यान् कृत्वा सर्वान् विशेषान् स्वमिति प्रमदनुः मायया भोजयन्नो माया संख्या तुरीयं परममृतमजम् अथर्वेदीय मांडव्य उपनिषद के चतुर्थ प्रकरण जिसका नाम है आलाद शांति प्रकरण। पहला प्रकरण में आगम प्रकरण जिसमें जगत के मिथ्यात्व को श्रुति वाक्य के सहारे सिद्ध किया। दूसरा प्रकरण वैतथ्य प्रकरण, ये मिथ्यात्व युक्ति के द्वारा भी समझा जा सकता है। द्वितीय प्रकरण में तो संसार में सभी वस्तु मिथ्या ही है तो अधिष्ठान भी मिथ्या ही होगा। तो उसके उत्तर में अद्वैत प्रकरण कहते हैं नहीं, अधिष्ठान ही एकमात्र पारमार्थिक सत्य वस्तु है, बाकी ऊपर में जो प्रातिथि प्रातिभाषिक वस्तु है पर सत्य नहीं हो सकता, मिथ्या ही है। जब आपने इसको जगत के मिथ्यात्व को युक्ति के आधार पर स्मृति के आधार पर जगत के मिथ्यात्व और अधिष्ठान तत्व के सत्यत्व हर एक चीज ध्यान रखना है। मिथ्या एक सापेक्षिक शब्द है, जगत व्यवहारिक सत्यत्व हम मानते हैं, आत्मज्ञान के सापेक्ष में जगत में मिथ्यात्व आता है। जब ज्ञान हो जाएगा तब जगत मिथ्यात्व समझ में आएगा, उसके पहले तक जगत के देखते हैं, मतलब जब तक हम माया निद्रा में सोते रहेंगे तब तक जगत में सत्य की प्रकृति होगी। आत्मा के सापेक्ष वो परमात्मा वस्तु है, उसके सापेक्ष में जगत मिथ्या है, नहीं तो हम जगत मिथ्या सिद्ध नहीं कर सकते हैं। जगत मिथ्या मिथ्या इसके सापेक्ष में मिथ्या है, कोई सत्य घटना होगा उसके सापेक्ष में मिथ्या होता है। इसलिए ध्यान रखने से एब्सोल्यूट सेंस में नहीं बोला, रिलेटिवली जाइए, क्योंकि पारमार्थिक रूप में अधिष्ठान जो है पारमार्थिक सत्य है उसके सापेक्ष में जगत मिथ्या है। ये जो है युक्ति के सहारे जो कथन करके आया, सामान्य शास्त्र का नियम है, आपकी प्रतिज्ञा वाक्य को पुष्ट करने के लिए आपको हेतु देना पड़ेगा, दृष्टांत भी देना पड़ेगा। ये चतुर्थ प्रकरण जो है ये हेतु को पुष्ट करने के लिए जगत के मिथ्या क्यों कह रहे हैं। एक तो अन्य वादियों में सृष्टि की प्रक्रिया को लेकर के जो विवाद है, यदि जगत पारमार्थिक सृष्टि हुई होती तो सभी वादी एक ही सिद्धांत में खड़े होते, पर सब बड़ी अलग अलग बोलते रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जगत में पारमार्थिकता नहीं है, जिसको जैसे समझ में उत्तर सब बोल दिया, एक ये रीजनिंग दिया। इसलिए क्या किया, अपना कोई युक्ति नहीं दिया, सांख्य के साथ सांख्य योग दर्शन के साथ और नए वैशेषिक दर्शन का जो विवाद होते हैं सत्कार जवाब असत्कार जवाब को लेकर के, उसको सहारा लेकर के बोलता है इसलिए हम सृष्टि नहीं मानते। उसके बाद विज्ञानवादी बौद्ध में भी और सौतांत्रिक वैभाषिक बौद्ध में भी विवाद है, एक जगत की बाहरी अस्तित्व मानते हैं, कहता पूरा का पूरा विज्ञान है कुछ नहीं है,
उनकी सहारा लेकर के उनके तरफ सहारा लेकर के एक शून्यवादी को तो बोलते हैं तो रुक्त संगत है ही नहीं, तो मतलब ज्यादा पारमार्थिक होना संभव नहीं है। उसके बाद हम दृश्यत्व रूपी जहाँ पे हेतु है वही मिथ्या होता है। दृष्टांत दिया था स्वप्न, स्वप्न में जो भी वस्तु हम देखते हैं वो मिथ्या है, इसे स्वयं निर्णय करते हैं। क्यों? उचित देश, उचित काल, उचित वस्तु, कुछ भी हम छोड़ करके नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार माया नेत्र से जगे हुए व्यक्ति जो भी कुछ साधन कर रहा था, जो भी कुछ मित्र मिला था, जो भी कुछ गुरु मिला था, जो भी कुछ साधन था, जो भी कुछ वस्तु को अपनाया था, वो सब अलग हो जाता है, कुछ भी देखता। एक एक करके दृष्टांत दे करके इसको समझाइए। इस प्रकार से जो है हेतु के माध्यम से अपनी जो प्रतिज्ञा वाक्यों को पुष्ट करने के बाद आपको क्या आया, आपको दृष्टांत दे रहा है। यदि जगत ऐसा ही है, नहीं है, तो प्रतीति कैसे हो रहा है? प्रतीति इसलिए हो रहा है जिस प्रकार एक अलात में, एक मशाल में कोई आकार नहीं है, परंतु उस मशाल की थोड़ा सा मूवमेंट से वहाँ पे कोई आकार की प्रतीति होती है। ठीक इसी प्रकार विज्ञान में भी वास्तविक कोई मतलब आकार नहीं है, परंतु विज्ञान में मतलब शुद्ध चेतन में थोड़ा सा जो मतलब गति अथवा स्पंदन, इसके कारण से वस्तु की प्रतीति होती है। अब हमारे सिद्धांत के अनुसार जो पूर्ण व्यापक है वहाँ पे स्पंदन का भी तो जगह नहीं है, तो कैसे होगा? बोलते तो वहाँ पे इसलिए ईश्वर को जो पूरा माया उपाधि में मतलब अपने को अभिमान कर रखा है उसके पास भ्रम नहीं है। वो जो परिच्छिन्न में उपाधि में तादात्म्य कर रखे, जो परिच्छिन्न था उसके चिदाभास में वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन कैसा, मन की वाइब्रेशन उसको प्रकाश करते हुए वो भी वाइब्रेट कर रहा है। जैसा मतलब जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित सूर्य जल कंपन से कंपित हो रहा है, दिखाई प्रतीति होती है, वास्तविक सूर्य में कोई प्रति मतलब क्रिया नहीं है, वहाँ पर कोई भी चलन नहीं है। ठीक इसी प्रकार शुद्ध व्यापक पूर्ण आत्मा में किसी भी प्रकार से कोई विकार, कोई वाइब्रेशन, कुछ भी नहीं है, परंतु अंतकरण प्रतिफलित होकर के वासनाओं की वेग से वहाँ पे परिच्छिन्न की प्रतीति होती है, वस्तु दिखाई दे रहा है। जैसे अलात में जब हमको आकार दिखाई पड़ता है, वो आकार कहीं बाहर से नहीं आया, देखने में वो कहीं बाहर जाते हुए भी नहीं दिखाई पड़ता, अनुभव अनुपलब्ध होता है, और ना कि वो अलात में प्रवेश होता है ये भी नहीं दिखाई पड़ता। ठीक इसी प्रकार से विज्ञान से कोई वस्तु बाहर निकल के नहीं आया, न विज्ञान के अंक से बाहर कहीं चला जाता है, और न विज्ञान में ही प्रवेश करता है। ठीक है, क्षय आस्तिक दर्शन है। क्षय आस्तिक दर्शन में जो कॉमन फैक्टर क्या है, वो सब आत्मा को व्यापक माना, सभी ने आत्मा को व्यापक माना। नैव शशिक दर्शन, ये लोग मैटर को बाहरी वस्तु को लेकर के, ये परमाणु आदि उसको लेकर के बाहरी वस्तु को, द फिलोसॉफी ऑफ मैटर, वो उसको लेकर के अधिक विचार करते हैं, नैव शशिक दर्शन। परंतु और वो क्या कहते हैं कि ये जो है कि बाहरी अन्य द्रव्य की तुलना के आत्मारूपी द्रव्य की क्या विशेषता है उसको जानना, सभी द्रव्य में कौन आश्रय में रहेगा, कौन सा प्राथमिक सार पदार्थ बटिक से जान लेंगे, तो वही ज्ञान से मुक्ति भी मानती है। आस्तिक दर्शनों का कॉमन फेनोमेनन ये है कि सभी आस्तिक दर्शन आत्मा को व्यापक माना, आत्मा को व्यापक माना, और सांख्य योग दर्शन भी आत्मा को व्यापक माना। तो गलती क्या हो गया, शास्त्र के अनुसार आत्मा अनेक नहीं है, परंतु लोगों ने आत्मा को अनेक भी मान लिया, आत्मा को अनेक मान लिया, सबको व्यापक मानने का फलस्वरूप क्या होता है कि सभी व्यापक आत्मा के साथ सभी का मन का संबंध होगा, और फलत क्या होता है, आत्मा मन संयोग से उसका ज्ञान उत्पन्न होता है, तो हमको भूख लगने से आपको पता लग जाएगा, परंतु ऐसे नहीं होते हुए दिखाई देता है, यानी कि ये सिद्धांत इसलिए सही नहीं है। और सांख्य योग दर्शन क्या होता है, वो मन को लेकर अधिक विचार करते हैं, फिलोसॉफी ऑफ साइकोलॉजी माइंड, वो मन को लेकर अधिक विचार करते हैं, उसने प्रकृति को सत्य माना और इसको पुरुष को अनेक माना, प्रकृति को सत्य माना एक माना और पुरुष को अनेक माना, परंतु उनके दर्शन में पूरा अभिमुख है, समस्त पुरुष व्यापक है, वो भी यही माना, और वो भी ज्ञान से मुक्ति मानते हैं, प्रकृति और पुरुष के विवेक से मुक्त हो जाओ, परंतु प्रकृति सत्य बना रहेगा। पूर्व मीमांसा दर्शन जो मॉडिफाइड फॉर्म आता है प्रभार के माध्यम से, वो भी ज्ञान कर्म के समुच्चय से ज्ञान को प्राधान्यता देता है, ब्रह्म लोक तक मुक्ति मानते हैं, वो ज्ञान मतलब उपासना को मानते हैं, क्योंकि उपनिषद भाग को वो अर्थवाद माना हुआ है,
वो परंपरा को छोड़ नहीं पाया, परंतु किसी ने स्वर्ग तक पहुंचा था फिर उसके आगे कर दिया प्रभाकर जी ज्ञान से मुक्ति, यानी कि क्षय अस्तिक दर्शन ज्ञान से मुक्ति मानते हैं, एक बार ही ज्ञान का उपासना करते हैं बाकी ज्ञान से मुक्ति मानते हैं। किसकी ज्ञान से इसको लेकर के विवाद है, कोई कहता है सात पदक द्रव्य और गुण की ज्ञान पृथकत्व ज्ञान से, और फिर जब कोई कहते हैं कि प्रकृति पुरुष के विवेक से, कोई कहते हैं कि मतलब ईश्वर की ब्रह्म की ज्ञान से उपासना से, वेदांत क्या कहते हैं एक आत्मज्ञान से, एक आत्म को जन्म से मुक्ति है, ये मुख्य सिद्धांत है। तो यहाँ पे बोलते हैं ये जो विज्ञान, ये विज्ञान में जब वस्तु दिखाई पड़ता है ये वस्तु कहीं से आता भी नहीं है, और जब इस वाइब्रेशन शांत हो जाता है तो वो कहीं जाता भी नहीं है और ना वो विज्ञान में प्रवेश करता है, इसको लेकर के विचार चल रहा है। कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, देखो 51-52 चल रहा था ना, प्रथम तुल्यतम विज्ञान के साथ और हमारा अलाद में कि समानता क्या है, कैसे एक हो सकते हैं, तुल्यतम प्रथम तुल्यतम किसके साथ, मतलब अलाद के साथ विज्ञान की समानता कैसे है, एक रूपता कैसे है, ऐसा प्रश्न लेकर तुल्यतम सार्थे न उत्तर श्लोके न साधे, इसका टीका तो हम कुछ हद तक पढ़ लेते हैं, अच्छा ठीक है। तो इस वक्त में आ जाएंगे कि बोलता है देखो तीन चीज जो इसमें बताए थे, नहीं तस्मिन विज्ञाने तथा कथन चित चलनवती है ना, तत् अन्यस्मात् कस्मचित् आगत जन्मत आभास तत्र भवितुम अर्हति, जिस प्रकार अलग में भी बाहर से कोई वस्तु आकर के आकार रूप में नहीं दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार विज्ञान में भी जाति आभास चल आभास वस्तु आभास कोई बाहर से कहीं नहीं आता, वो केवल मात्र उसकी स्पंदन से प्रतीति होती है वहाँ पर भवितुम तथा प्रथा, क्योंकि इस प्रकार के पहले क्या बोला था, क्योंकि इस प्रकार दिखाई नहीं पड़ता, पहले प्रमाण क्या दिया था ऐसा दिखाई नहीं प्रसिद्धि के अभाव है, दूसरा प्रमाण क्या दिया था द्रव्यत्व के अभाव है ना, कि जिससे ये द्रव्य इसलिए आवागमन होना संभव नहीं है, क्योंकि द्रव्य में तो आना जाना संभव होता है परंतु निर्विशेष में अथवा जो द्रव्यत्व में धर्म जिसमें नहीं है उसमें आवागमन कहाँ से होगा, इस अभिप्राय से बोलते हैं तथा प्रभाव न जब तस्मात विज्ञान अचलतया अवस्थिता अन्यत्र आभास भवित मुत्सन्त, उस जो स्थिर रूप में विद्यमान है उससे आभास के दूसरे जगह पर चला जाएगा ये भी होना संभव नहीं है, क्यों प्रतीति अभाव से तुल्यत्व ऐसा नहीं दिखाई देता है, ये पढ़ लिए थे कलम ने ऐसे नहीं कर ना भी तदेव विज्ञान प्रविशंति, उसी विज्ञान में प्रवेश कर जाता ये भी आप नहीं कह सकते क्योंकि ये भी नहीं दिखाई देता। तस् केवल तद उपादानत्व अनुपमा, उस विज्ञान का केवल विज्ञान तो किसी को उपादान हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें कोई विकार होना संभव है, तस्य केवलस्य तत् उपादानत्व अनु, दो यहाँ पे प्रोनाउन आया हुआ है, एक है तस्य और एक हो गया तत्, तस्य से क्या लेंगे तस्य विज्ञानस्य केवलस्य विज्ञानस्य तद उपादानत्व आभास उपादानत्व जात्यादि आभास उपादानत्व अनुपमा, ये समझ में नहीं आता। सात नंबर टिप्पणी में क्या बोलते हैं, ये देखिए साजात्यादिक भेद रहित सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित जो विज्ञान है, तस्य साजात्यादिक भेद रहित तस्य विज्ञानस्य है ना केवलस्य, केवल का टिप्पणी कर केवल का अर्थ किया, मतलब तत् तस्य पद का अर्थ नहीं कर, तो विज्ञान ही आ रहा, शुद्ध विज्ञान में कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्यों तत् उपादान है तो अनुपगमा अभी समझ में नहीं आता इस कारण से। आगे टीकाकार और बोल रहे हैं न च ते विज्ञाने प्रविष्ट समर्था, वो जो आभास है वो विज्ञान में प्रवेश करने में भी समर्थवान नहीं है, है ना, असमर्थवान नहीं है, क्यों तत्व निर्गंतुम व पारयति अथवा वहाँ से बाहर निकालना ये भी नहीं संभव है क्योंकि वो द्रव्यत्व धर्म ही नहीं है उसमें। अच्छा तेषाम अवस्तुत्वादिति अर्थ वो आगम और बाहर जाना और आना, वो जो आभास जितना दिखाई पड़ता है कोई वस्तु रूप नहीं है, कोई वस्तु रूप होता तो उसका बाहर जाना अंदर आना ये होना संभव होता, परंतु वस्तु रूप नहीं है इसीलिए ये भी होना नहीं संभव। तेषाम अवस्तुत्वादिति अर्थ तेषाम आभाषानाम, ये सब से क्या लेंगे आभाषानाम जत्याभास वस्तु द्रव्याभास अथवा चलाभास सब जो है अवस्तुत्वादिति अर्थ। कथम तरी विज्ञाने प्रथा तेषाम इति आशंक, यदि वहाँ पे कुछ भी नहीं है तो उसमें विज्ञान में उसकी प्रसिद्धि प्रसिद्धि तो विज्ञान में दिखाई कैसे देते हैं वो, कथम तरी विज्ञाने प्रथा तेषाम तेषाम आभाषानाम, तो विज्ञान में से वो दिखाई पड़ता है ये प्रसिद्धि कैसे हो गया इति आशंक, इसको तरह बोलते हैं मृषा एव तो वो जो प्रतीति मात्र है वो पारमार्थिक नहीं है, प्रतीति मात्र पारमार्थिक नहीं है, इसलिए हमें बोलते हैं अब वहाँ पे कार्य का श्लोक की प्रतीक होगा ये
श्लोक की प्रतिकता कार्य कारण का भावात जत अचिंत सदैवते, वहां पे कार्य कारण भाव होना संभव ही नहीं है। कार्य कारण भाव होना क्यों संभव नहीं है वो आगे श्लोक में इसका स्पष्टीकरण देंगे। कार्य कारण भाव होने को संभव नहीं है, कार्य कारण का अभाव, इसलिए आभास विज्ञान यो, आभास और विज्ञान में कार्य कारण का भाव के अभाव, एक नंबर टिप्पणी में ठीक है। कार्य कारण का अभाव किसमें, किन दोनों में कार्य कारण भाव है, विज्ञान और आभास ठीक है ना। इसलिए बोलते आभास, आभास हो गया कार्य और विज्ञान हो गया कारण, इसलिए वहाँ पे कार्य कारण भाव ऐसे बोलते हैं, इसका अभाव है। अभाव मानो रीति शेष कार्य कारण भाव वहाँ पे होना संभव नहीं है। अच्छा अब आगे ये बोलते हैं कार्य कारण, फिर टीका में एक लाइन पढ़ने वाले आभासानाम विज्ञान सच। आभास तीन बोला, जात्याभास, चलाभास और वस्तुभास, आभासानाम से बहुत विज्ञान सच और विज्ञान, इन दोनों में जब कार्य कारणताया दुर्वचोत्तर, इन दोनों में जो कार्य कारणता की जो भाव है उसका कारणता है ना, कार्य कारणता जो भाव दस्य भाव बताते हैं उसका षष्ठी कारणताया दुर्वचत्व, उसको प्रतिपादन करना कठिन है, उसको बोलना संभव नहीं है। क्यों, आभाषा सर्वदा एव निरूपित अशक्त, तब तो आभास है उसको पकड़ने जाओगे हाथ ही नहीं लगेगा कुछ, उसको निरूपण ही नहीं कर पाओगे। यदि वस्तु होता कुछ हाथ में लगता तब तो उसको बाहर आना जाना संभव, तो आभास मात्र है। इसीलिए बोलते हैं आभाषा सर्वदा एव निरूपित अशक्यत्व, तो आभास मात्र है उसको आप निरूपण नहीं कर सकते, सदस्य रूप नहीं है। माया मया संत विद्य माइक है प्रकृति मात्र, माया मया है ना, ये माया मतलब आभाषता, माइक है पूरा के पूरा माइक है, माइक प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में माइक है, क्योंकि अधिष्ठान थोड़ा सा जैसे जलमय खेत बोलते हैं, यहाँ जल पूरा है परंतु खेत है जिसके ऊपर दिखे गए, माया मतलब माया की प्राचुर्यता है परंतु अधिष्ठान भी है वहाँ पे, माइक मतलब नहीं दिखाई देते, माइक मतलब वहाँ देखिए नहीं दिखाई, इसलिए माया माया संत मिथ्याई भवन, तो माइक होते हुए वो मिथ्याई है मतलब प्रतीति तो हो परंतु हाथ लगाने जाए तो पता न लगे, वो पकड़ में ना आए, ये मिथ्याई परिभाषा है। प्रतीति है दिखाई दे रहा है और मन ही मन उसके साथ व्यवहार भी कर रहे हैं परंतु हाथ लगाने जाए तो कुछ पता ही नहीं लगता, ये कहाँ गया, ये मिथ्या की परिभाषा है। भवंती इति अर्थ, यहाँ तक आनंद गिरि जी ने इस श्लोक की दोनों श्लोक की अर्थ कर दी। अब जो है भाष्यकार की अर्थों को बताते हैं, हमारे पुस्तक में ताया लिखा हुआ है, आपके पास ताया है ना, अर्थ का इसलिए मेरा षष्ठी है, वो ताया होता तो तृतीय एक वचन होता है, कार्य कारण ताया दुर्वचत्व आभाषा सदैव निरूपित अशक्तत्व माया मया संत मिथ्यैव भवन्ति इति अर्थ। सार्थ श्लोक तात्पर्य माह, ये देर श्लोक के तात्पर्य किसमें है वो कहते हैं वहाँ पे भगवान भाष्यकार, ठीक है ना। सार्थ श्लोक तात्पर्य मतलब देर श्लोक का तात्पर्य कहते हैं यहाँ पे, जो सार्थ श्लोक स तात्पर्य षष्ठी समझ है ना, सह अर्धे न सह सार्ध और तस् है तस् तात्पर्य माह, ये हो गया यहाँ पे सार्थ श्लोक तात्पर्य माह। अब क्या बोलते हैं, आप आ जाइए भाष्य में, अला तेन समनम सर्वम विज्ञानस्य, विज्ञान और अला दोनों बिल्कुल समान है, उसमें कुछ भी भिन्नता नहीं, अला तेन समनम सर्वम, दृष्टांत तो दृष्ट में थोड़ा सा भेद रहता है, उतना मन में रख करके बोलते हैं सामान्य जिस धर्म को लेकर हम अलात को दिखे वो सारा धर्म अलात का धर्म विज्ञान भी वैसा ही है। तीन नंबर टिप्पणी में क्या बोलते हैं, दो नंबर टिप्पणी पढ़ लिया था ना, अचिंत्या सदस्य कल पढ़ लिए थे, मूल में आया था तीन नंबर टिप, अला तेन इत्यादि विज्ञानस्य विज्ञाने प्रतियमानं सर्वं जात्यादि आभाषकम्, यहाँ पे क्या बोला, अला तेन विज्ञानस्य सर्वं समानम्, अलात के साथ विज्ञान का पूर्ण समानता है ना, अला तेन सह विज्ञानस्य समानम सर्वं, यहाँ पे बोलते हैं कि अपने अला तेन अलात के साथ किसका समानता है, विज्ञान के साथ, बोलते हैं अला तेन इत्यादि विज्ञानस्य, विज्ञानस्य मतलब क्या हो गया, विज्ञाने प्रतियमानं सर्वं जात्यादि आभाषादिकम्,
है ना। विज्ञान शब्द का अर्थ होगा विज्ञान में प्रतीति, विज्ञान नहीं दिखाई दे रहा, ज्ञान नहीं दिखाई दे रहा, ज्ञान के ऊपर प्रतीति हो रहा है जो आपको वस्तु आभास, चल आभास, जाति आभास, ये सब जो है वो सबको यहाँ पे ग्रहण करना पड़ेगा। विज्ञान प्रतीयमान सर्वम जात्याभाषादिकम अलातेन, तो आगे उसी के अलात वृत्ति वक्रादि आकारेन, है ना। अलात में क्या दिखाई पड़ता है, अलात में विद्यमान जो जात मतलब ऋजु वक्रादि जो आभास दिखाई पड़ता है, और विज्ञान में क्या आभास दिखाई पड़ता है, जात्याभास, चलाभास, वस्तुआभास, ये जो दोनों में आभास दिखाई पड़ता है, अलातेन अलात वृत्ति वक्रादि आकारेन समान मतलब तुल्यम, ये दोनों में समानता है। प्रातीतिकत्वेन मिथ्या भूतम इति अर्थ, तुल्यता क्या है, दोनों ही प्रतीति हो रहा है इसलिए दोनों ही मिथ्या है, है ना। इसलिए देखिए अलातेन समानम सर्व विज्ञान से पूरा इस पंक्ति का अर्थ टिप्पणी कर दिया, विज्ञान से अर्थ कर दिया, विज्ञान प्रतीयमानम सर्व जात्यादि आभासादिकम उसका, फिर अलातेन शब्द का अर्थ करते अलात वृत्ति वक्रादि आकारेन, समानम शब्द का अर्थ करते हैं तुल्यम, ठीक है ना। तुल्यता क्या है, प्रातीति करते न मिथ्या भूतम इति अर्थ, प्रतीति प्रति प्रातिभाषी होने के कारण वो मिथ्या है, ये उसकी अच्छा। फिर आगे देखिए इसमें आगे बोलते हैं टीका में, तरी सक्रियतम अपि विज्ञान प्रसर्जेत इति आशंका। हाँ अलात में आभास कब दिखाई पड़ता है, अलात में आभास कब दिखाई पड़ता है, जब उसमें चलन होता है, तब यदि अलात में आभास चलन के निमित्त होता है तो विज्ञान में भी आभास कुछ क्रिया निमित्त होगा, नहीं तो कैसे होगा। ये बोलते हैं तरी तब तो मतलब अलात के साथ सब प्रकार से अपने समानता बता दिया, तब तो जैसे अलात में कोई मतलब मूवमेंट के कारण आकृति दिखाई पड़ता है, ऋजु अपराधी आकार दिखाई पड़ता है, तो यहाँ भी कोई क्रिया होगा। यहाँ का प्रश्न क्या है, कैसे तरी सक्रियतम अपनी विज्ञान से, तब तो विज्ञान में सक्रियता आ जाएगा, प्रश्न जी तो उसका प्रसंग आ जाएगा, इति आशंक ऐसा कोई शंका करते उसको उत्तर में भगवान भाषा बोलते हैं सदा अचलतम तो विज्ञान से विशेष, इतना भिन्नता है, विशेष यहाँ पे भेद, विशेष शब्द का अर्थ यहाँ पे भेद, सदा अचलत्तम वहाँ पे तो अलात जो है कभी अचल कभी सचल, अलात जब अचल रहता है कोई आकार नहीं, और अलात जब सचल होता है तब आभास प्रतीति होता है, और विज्ञान तो सदा अचल क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट का जगह ही नहीं है, इसलिए बोलते हैं सदा अचलत्तम तो विज्ञान से विशेष, यही जो है विज्ञान और अलात में भिन्नता है। फिर टीका में आ जाइए, यदि विज्ञानम अचलम अभिष्टम तरि तत्र जात्यादि आभास हेतु अभाव न स्युः, ये विरोधी बात कैसे बोलते हो, एक तरफ आप बोलते हो कि गति के कारण वाइब्रेशन के कारण वहाँ पे आभास की आकार की प्रतीति होती है, अब आप बोलते हो कि वहाँ कभी भी कोई प्रति मतलब चलन नहीं है तो वहाँ आकार नहीं दिखना चाहिए, आकार नहीं दिखना चाहिए, इसलिए हमें बोलते हैं कि यदि विज्ञानम अचलम अभिष्टम, यदि तुम्हारा वेदांती तुम्हारे यही अभिष्ट है क्या, विज्ञान में कोई चलन कभी भी नहीं है, तभी तब तो तत्र तत्र विज्ञाने जात्यादि आभाषा, विज्ञान में जो जात्यावास चलावास वस्तुआवास दिखाई पड़ता था हेतु हमारा, उसका हेतु क्या था, वाइब्रेशन मतलब उसका मूवमेंट, वो जब वहाँ पे नहीं है तो आभास नहीं दिखना चाहिए, हेतु आभाषात न शूर इति आशंका, आशंका अंतिम अर्थेन पर इस शंका को अंतिम आधा भाग के था, सार्थ आधा भाग पहले बोल दिया, अब जो दो श्लोक में चार अर्थाई होगा उसमें तीन अर्थ तीन आधा भाग का, तो एक पूरा श्लोक आधा भाग का अर्थ कह दिया, और बाकी अंतिम जो कार्य कारण अभाव यतो चिंता सदैव, ये किसका उत्तर है, यदि विज्ञान में कोई मूवमेंट नहीं है तो आभास क्यों दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखना चाहिए, इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है, ये टीका के साथ मूल की अन्वय करने का ही तरीका है, इस पंक्ति को देख के उसके साथ ही जी टिप्पणी बोलते हैं, यदि विज्ञानम अचलम अभिष्टम तरि तत्र जात्यादि आभाषा हेतु अभाव न स्यु, यदि विज्ञान में आपकी अचलता ही अभिष्ट है तब तो हमें जात्यादि आभाष नहीं देखना चाहिए, हेतु अभाव क्योंकि वहाँ पे कारण नहीं है, इसलिए नहीं होने न स्थिति आशंका अंतिम, इस शंका को अंतिम आधा भाग के द्वारा निराकरण करके परिहरति। विज्ञान अचल विज्ञान में किसने किया इसको,
इति आह उसको उत्तर में कहते हैं चार नंबर टिप्पणी इति इति आशंक इति अर्थ ऐसा शंका होने पर उसको उत्तर में कहते हैं इति आशंक आह शंका उठा कर कहते हैं। अच्छा भाई दूसरी को इस पंक्ति को समझा रहे हैं इस पंक्ति को कार्य कर उसको ठान कार्य का समझा रहे कार्य कारण का भावा जन्न जनकत्व कार्य उसका अभाव है जन्न जनकत्व अनुभवते अभाव रूपत्वा अचिंतास्ते यत सदैव है ना। वहाँ पे कार्यकर्णता की भाव की अभाव है हम नहीं मानते हैं कार्यकर्णता की भाव ठीक है ना। क्यों जन्म जनकत्व अनुभवते एक जन्म और एक जनक एक पैदा करने वाला एक पैदा होने वाला इन दोनों में संबंध ही नहीं है। अब बताओ रज्जु रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प का पैदा करने वाला है कि नहीं है। क्रांति से रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे को सर्प को पैदा करने वाला रज्जु है कि नहीं है। रज्जु नहीं है यहाँ बैठा हुआ है भ्रांति से हाँ वो तो भ्रांति से रज्जु तो कुछ भी देगा तो हमको कैसे ही पड़ा हुआ है सामने प्रतियोगिता क्या होता है वहाँ पे एक रज्जु एक सामान्य रूप से वस्तु विद्यमान है और एक हमारे बुद्धि में बैठी हुई है सामान्य अंश दिखाई दे रहा है उसको आधार बोलते हैं जिस अंश नहीं दिखाई दे रहा है उसको अधिष्ठान बोलते हैं। ये आधार और अधिष्ठान में इतना भिन्नता है और उस पर उस जिस जहाँ जिस अंश समझ वो अधिष्ठान में सर्प की कल्पना कर लेते हैं इसीलिए ये रज्जु है ये और है ये सामान्य अंश है और अधिष्ठान अंश क्या है जो विशेष की प्रतीति नहीं हो रहा वहाँ पर हमने क्या किया स्वरूप सर्प का अभ्यास कर दिया अपने अस्तित्व मुझे समझ में आ रहा है मैं हूँ मैं चेतन हूँ ये समझ में आ रहा है केवल इतना ही नहीं आ रहा है कि मैं व्यापक हूँ मैं नित्य हूँ ये नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि विशेष अंश का ज्ञान नहीं हुआ। विशेष अंश क्या हुआ हमने उद्धारोप कर दिया शरीर को उस सामान्य को ऊपर जैसे सर्प का उद्धारोप किया वो संस्कार बैठा हुआ था सर्प भूचित्र माला दंड जलधर कुछ भी करो वो हमारा जैसा संस्कार था वो सामान्य अंश को आरोप कर देता है ठीक ऐसे ही यहाँ पे सामान्य में चेतन ज्ञान है उसको ऊपर क्योंकि शरीर अध्यस कर दिया हमने तो विशेष जो मैं व्यापक वो नहीं समझ में आ रहा परिच्छिन्न बना देते इसीलिए हमें बोलते हैं कार्य कारणता अभाव जन्म जनकत्व अनुपत्ति दोनों के अंदर कार्य कारणता की अभाव है इस कारण से वहां पर जन्म जनकत्व भाव होना युक्ति संगत नहीं है क्योंकि अभाव रूप है ना अभाव रूपत्व वहाँ पे नहीं होते हुए भी दिखाई देता है वो नहीं होते अचिंत अस्ति यत सर्वदा क्योंकि वो अचिंत अचिंत मतलब क्या है उसको सत असत रूप से निरूपण नहीं किया जा सकता यही मिथ्या की परिभाषा सद असत विलक्षणत्व मिथ्यात्व पांच परिभाषा देते हैं मंत्रियों से अच्छे ज्ञान निवर्तकत्व मिथ्यात्व सद असत विलक्षणत्व मिथ्यात्व प्रतिपन्न उपाधिक त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व मिथ्यात्व है ना। ये होता है जहाँ पे जो वस्तु दिखाई दे रहा है वहीं पर यदि उसका निषेध हो तो वो मिथ्या होगा वही प्रश्न इसी जगह पे ऐसा तो कार्य कारण का भाव जन्म जनकत्व अनुभवत्व अभाव रूपत्व पांच नंबर टिप्पणी अभाव रूपत्वाद इति असद रूपत्वाद इति अर्थ है ना मतलब वहां पे वस्तु है ही नहीं है ना। ये अब असत तो बोल रहे हैं पर मिथ्या रूपत्व अभिप्राय है मतलब नहीं होते भी प्रतीत होने मिथ्या की परिभाषा इति अर्थ जात किसका बोलते हैं जात्यादि आभाषाणाम इति शेष कौन अभाव रूप है वो जात्याभास चलाभास वस्तुभास वहाँ भी होता है जात्याद्य आभाषाणाम इति शेष तथा च आविद्यका एवते तो दिखाई क्यों दे रहा है यही अज्ञान की महिमा है आविद्यका एवते ये अज्ञान से अधिक और माया की आवश्यकता नहीं है सृष्टि के लिए अज्ञानी पर्याप्त है सारा कल्पना कर लेने में माया कहाँ क्या है अज्ञान अकेला ही पर्याप्त है इसलिए आप केवल इतना ही है इसको ना जिस प्रकार देखिए है अगर हम सूरज की तरह पीछा करके काम करेंगे तो क्या हो जाएगा सारा छाया छाया में हमको काम ना शैडो में काम करना पड़ेगा और सूर्य की तरह मुंह करके काम करेंगे तो क्या हो जाएगा सारा प्रकाश में काम इतना ही है अज्ञान ईश्वर की तरह मुंह करके आत्मा की तरह मुंह करके काम करो सारा प्रकाशमय दिखेगा और उसका पीछे तरह मुंह करोगे तो सारा मायामय छायामय दिखाई देगा इतना ही है मन केवल दृष्टिकोण को वेदांत हमको यही सिखाया कि केवल देखने की दृष्टि शैली को बदल दो थोड़ा सा भगवान की तरह मुंह करके देखना सीखो प्रकाश दिखेगा सब और जैसे भगवान की तरह मुंह दिखोगे सारा मायामय अंधेरा दिखेगा अज्ञान इतना ही वेदांतिक वेदांतिक मतलब ज्ञान अज्ञान है।
यही हमारे इसके यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे कि असत रूपत्वात् इति अर्थ जात्यात्य आभाषानां इति शेष अर्थ असत है तथा च आविद्यक एव ते जात्याद्य आभाषाः ते सर्वे आविद्यक एव इति फलिति फलितम असत्य अभी प्रतिष्कल मतलब क्या हो गया फलित क्या हुआ नहीं होते हुए भी प्रतियोगि होना यही भी अमिथ्या किया फलितम असत्य अभी प्रतियमान नहीं होते हुए भी प्रतीति होना सर वहाँ पे नहीं है फिर भी प्रतीति हो रही है ना वहाँ पे शुक्ति का अथवा पैसा सिक्का नहीं है फिर भी प्रतीति हो रहा है वो क्यों यही वेदांत में जो चार दृष्टांत दिया गया है उसमें दो दिया गया उज्जवल प्रकाश में और दो दिया गया अंधेरे दो उज्जवल प्रकाश हो गया शुक्ति के ऊपर रजत को देखना और मरुभूमि के बाली के ऊपर पानी को देखना और ये दोनों जगह में देखना राग निमित्त प्रवृत्ति होता है राग के निमित्त से प्रवृत्ति होता है मुझे प्रत्येक धन भी चाहिए और बाहरी वस्तु की तृष्णा है मुझे वो इसीलिए जगत दिखाई पड़ता है और बाकी दोनों देश के लिए होता है बाकी दोनों क्या है एक स्थानों में पुरुष बुद्धि और एक राज्य में सर्प बुद्धि सर्प से डर बैठा हुआ है देश है इसलिए वो दिखाई पड़ता है चोर से डर है क्योंकि मेरे पास धन है इसलिए वो दिखाई पड़ता है यही चार दृष्टांत वेदांत में है ये राग देश के माध्यम से व्यवहार होता है क्योंकि इससे ऊपर उस शक्ति का व्यवहार बन गया इसीलिए बोलते हैं अतः व्यवहार में इतना सुंदरता आएगा कि आपको व्यवहार स्पर्श नहीं कर पाएगा राग देश से व्यवहार हमको स्पर्श करके उसका संस्कार बनाना है और राग देश से रहित होकर जब व्यवहार होता है वो नए संस्कार नहीं करता नए संस्कार उत्पन्न नहीं करता ये अभिप्राय है यहाँ पे इसलिए बोलते हैं कि कार्य कारण का अभाव जन्म जनकत्व अनुभव तेर अभाव रूपत्व अचिंता तेर सर्वदा एव अब यहाँ पे आ जाइए टीका भी देखिए जत सदैव अचिंत अत विषय एव इति शेष देखिए टीका से कैसे भाष्य का अन्वय करेंगे वहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या लिखा जत क्योंकि देखिए वो भाष्य की पंक्ति है ये जत सदैव भाष्य में है ये टीका का उसी जत सदैव और क्या लिखा अचिंता वो पहले था जत सदैव अचिंत अत मृषैव इति शेष इतना अर्थ जोर करके भाष्य का पंक्ति को अर्थ करना पड़ेगा इति शेष मतलब भाष्य पंक्ति में इतना जोर लो अर्थ पूरा आ जाएगा का विशेष लिखेगा अनुसंचते मतलब दोबारा उसको लगाया जाता है इस प्रकार से ये जत सदैव अचिंत अत मृषैव इति शेष वो मिथ्या है क्योंकि वो चिंता के सदसत रूप से निरूपण नहीं सदसत विलक्षण अचिंता मतलब सदसत विलक्षणत्म यह मित्र है अतः मृषा एवं विशेष अच्छा आगे बोलते हैं संक्षेप अतः तात्पर्य महा संक्षेप में इसके तात्पर्य को भगवान भाष्यकार कहते हैं यथा असत सु ऋज्वादि आभाषेषु ऋज्वादि बुद्धिर्दृष्टा अलाप मात्रे जैसे असत सु ऋज्वादि आभाषेषु जहाँ पे जो आभास है आकार मतलब ऋजु आकृति आभास है ना उसमें वो नहीं होते हुए भी वो आभास की प्रतीति होती है यथा इतना हिस्सा हमारा दृष्टांत दृष्टांत में समान है परंतु असमानता क्या है वहाँ पे स्पंदन है यहाँ पे स्पंदन भी नहीं है और जो स्पंदन मानते हैं तो क्या कारण होगा वो परिच्छिन्नता में स्पंदन चित्त आभास में स्पंदन है वो चित्त में प्रतीति होती है यहाँ पे बोलते हैं कि यथा असत्सु ऋज्वादि आभाषेषु मतलब ऋज्वादि ऋजु वक्रादि आभास वहाँ पे नहीं होते हुए भी ऋज्वादि बुद्धिर दृष्टा वहाँ का हमें क्या बुद्धि होता है ये सीधा है ये सर्कुलर है ये चार है ये आठ है कई प्रकार के आकार दिखाई पड़ता है बुद्धि दृष्टा अलात मात्र कौन है वहाँ पे कोई अलग करके कोई आकार वहाँ पे नहीं है अलात ही उस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं अलात मतलब वो जलता हुआ आंख बोला वही उस रूप में दिखाई पड़ते हैं जैसे यह दृष्टांत है तथा ठीक उसी प्रकार से असत्सु एव जात्यादिषु जन्म वस्तु अथवा जाति अथवा चल ये कभी कुछ भी नहीं है असत्सु एव जात्यादिषु क्योंकि व्यापक है आत्मा असंग पूर्ण व्यापक है क्रिया कहाँ से हो पाएगा उनका जन्म कहाँ से हो पाएगा विज्ञान मात्रे जात्यादि बुद्धि वृष एव इति समुदायार्थ है ना विज्ञान मात्र में केवल विज्ञान में वह जात्यादि जो बुद्धि होती है मृषा एव इति समुदाय तो मिथ्या ही है ये जो है मतलब पूरा मिल करके ये अर्थ ये तात्पर्य पूरा मिल करके ये तात्पर्य समुदाय पूरा श्लोक ये तात्पर्य विज्ञान मात्र जात्यादि बुद्धि मृषा एव इति विज्ञान मात्र में जाति आदि का बुद्धि होता है जात्याभास चलाभास वस्तु आभास वो मिथ्या ही है केवल प्रकृति मात्र है ये इसका अभिप्राय तात्पर्य का तो अर्थ यही है वहाँ भी छः नंबर टिप्पणी दिखाई पड़े ना विज्ञान मात्र मतलब जात्यादि असंस्पृष्ट विज्ञानी इति अर्थ जो जात्यादि के द्वारा बिल्कुल छुआ हुआ भी नहीं है
जातवादी कहता है बिल्कुल की गुरु असंगो ही अयम पुरुष। कई बार रिपीट करते हैं वेदांत में ज्योतिर ब्राह्मण में कम से कम 7-8 वर्ष का रिपीटेशन है असंगो ही अयम पुरुष असंगो मतलब अनन्वागत पुण्य अनन्वागत पापे न तीन ही सर्व सर्वाशोकान भवती असंगो ही अयम पुरुष वेदांत है ना। इसीलिए वो नहीं होते हुए प्रतीति होते हैं ये बोलते हैं संक्षेप तात्पर्य यथा यथा ही हो गया तथा सत असत्सु एव जाति अदिशु विज्ञान मात्र जाति आदि बुद्धि निशाय वृत्ति समुदाय ठीक यहाँ तक तो ये हो गया दोनों का अलग था। उसमें अब जो है ये जो है क्यों नहीं हो पाता मतलब उसमें कार्यकरण भाव क्यों नहीं हो पाता कहाँ कार्यकरण भाव आपको दिखाई पड़ता है तो कार्यकरण भाव आपको दिखाई देगा द्रव्य में एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य की उत्पत्ति होती है दिखाई पड़ती है जैसे मृत्यु के कारण के द्रव्य से घट आदि द्रव्य की उत्पत्ति दिखाई पड़ती है एक। और न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन में उन लोगों ने ये माना कि जिस प्रकार धागा से पट उत्पन्न होगा धागा से पट उत्पन्न होगा मतलब धागा से पट का रूप उत्पन्न नहीं होगा तंतु रूप से पट रूप उत्पन्न होगा इस असमवाय कारण बोलते हैं इसको एक समवाय कारण एक असमवाय कारण धागा से पट की उत्पत्ति होगी परंतु पट की रूप धागा से उत्पत्ति नहीं होगी पट की रूप तंतु रूप से उत्पन्न होगा इसको असमवाय कारण बोलते हैं इसको असमवाय कारण बोलते हैं जिस मतलब द्रव्य से द्रव्य की उत्पत्ति गुण से गुण की उत्पत्ति और क्रिया से क्रिया की उत्पत्ति एक नेत को आपने फेंक दिया वो जाके दूसरा किसे टकराएगा वो क्या करेगा उसके अंदर कुछ गति उत्पन्न करेगा दूसरा गेंद वो दूसरा गेंद उत्पन्न नहीं करेगा एक गेंद दूसरा गेंद के टकरा के एक तीसरा गेंद उत्पन्न ऐसा नहीं होगा केवल क्या करेगा उस गेंद में कुछ गति उत्पन्न कर देगा मतलब द्रव्य द्रव्य की उत्पत्ति करती है गुण गुण की उत्पत्ति करते हैं और क्रिया क्रिया की उत्पत्ति करते हैं परंतु ये गुण और द्रव्य गुण और क्रिया स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकते और द्रव्य के आश्रय होकर ही कर पाते द्रव्य का आश्रित होकर ही क्रिया कर पाता है ये नए वैशेषिक सिद्धांत ये हमको इस आधार पे अभी बोलेंगे। देखो जिस प्रकार से तुमने तुम्हारे पक्ष में माना उस हिसाब से तो यहाँ उत्पत्ति होना संभव नहीं है तुमने आत्मा को द्रव्य कैसे माना तो इसको यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना भी क्या बोलने जा रहे हैं नए दर्शन वैशेषिक दर्शन में इसको सिद्ध करके दिखाया क्या दिखाया द्रव्य के लिए द्रव्य हेतु होता है ठीक है गुण के लिए गुण हेतु होता है मतलब इसको असमवाय कारण बोलते हैं कार्य कारण है जो उत्पत्ति में मदद करते हैं उस कार्य के साथ भी हो सकते हैं कारण के साथ भी रह सकते हैं। तो इस प्रकार से तो द्रव्य मतलब तंतु से पट उत्पन्न होगा और तंतु रूप से पट रूप उत्पन्न होगा तो तंतु पट के लिए समवाय कारण होगा और तंतु रूप पट रूप के लिए असमवाय कारण होगा और इसी प्रकार से क्रिया भी एक क्रिया को उत्पन्न करते हैं क्रिया द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकते गुण को उत्पन्न नहीं कर सकते ये उसका मुख्य सिद्धांत है। अब देखिए टीकाकार क्यों कार्यकरण भाव होना संभव नहीं है इसमें आभास में और विज्ञान में कार्यकरण भाव क्यों होना संभव नहीं है क्योंकि विज्ञान में द्रव्य तो धर्म नहीं द्रव्य तो आभास है इसको समझाने के लिए जत उक्तम ये जो पहले श्लोक में क्या कहा अपने कार्यकरण अभाव जतो अचिंत सदैव मतलब 52 की जो तृतीय पद में आपने कहा यद उक्तम कार्य कारणता अभाव इति तद इदानीम उपपादयितुम उपक्रमते ये जो कार्यकरण भाव जो है ये कहीं भी होना संभव नहीं है इसी को प्रतिपादन करने के लिए अगला श्लोक को भूमिका के रूप में दिखाते हैं। यद उक्तम कार्य कारणता अभाव इति जो आपने कहा इसमें कार्यकरण भाव होना संभव नहीं है इस प्रकार से उसी को तद उस कार्यकरण भाव के अभाव है इदानीम अब उपपाद योग्य मतलब युक्तिपूर्वक समझाने के लिए उपक्रमते से शुरू करते हैं शुरू करते हैं आगे श्लोक में द्रव्यम द्रव्यस्य हेतुः स्यात् द्रव्यम द्रव्यस्य हेतुः स्यात् अन्नद् अन्नस्य चैव हि अन्यद् अन्यस्य चैव हि द्रव्यत्वम् अन्न भावो वा द्रव्यत्वमन्य भावो वा धर्मानां नोपपद्यते धर्मानां नोपपद्यते द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुस्यात् अन्यदन्यस्य चैव हि द्रव्यत्वमन्य भावो वा
धर्मानानोपपद्यते। पहले हम टिप्पणी में नहीं जाएंगे, पहले सामने श्लोक अर्थ करते हैं, फिर टिप्पणी एक दो तीन चार चार टिप्पणी दिखाई देता है। द्रव्य द्रव्य हेतु हमने मतलब बताया आपको कि देखो मृतिका घड़ा के लिए हेतु बन सकते हैं, तंतु के लिए तंतु पट के लिए हेतु बन सकता है, तो ये द्रव्य द्रव्य के लिए हेतु होता है ना, और गुण के लिए गुण हेतु होता है, क्रिया के लिए क्रिया हेतु होता है। द्रव्य द्रव्य हेतु से अन्न से चैवी मतलब जैसे गुण के लिए गुण हेतु होता है, क्रिया के लिए क्रिया, एक अर्थ। दूसरा अर्थ मतलब एक परिच्छिन्न वस्तु, ये परिच्छिन्न वस्तु के लिए हेतु बनता है। अन्न मतलब परिच्छिन्न वस्तु, जो डिफरेंट जो वस्तु आपको दिखाई देगा, एक परिच्छिन्न वस्तु ही एक परिच्छिन्न वस्तु के हेतु बन सकता है। दूसरा आपको सामान्य रूप से पहला अर्थ क्या करेंगे, द्रव्य के लिए द्रव्य हेतु है, गुण के लिए गुण हेतु, अन्न अन्न से पहले ही लेंगे। दूसरे क्या है, अन्न मतलब एक परिच्छिन्न वस्तु, लिमिटेड थिंग, एक कोई लिमिटेड वस्तु जो है, एक लिमिटेड वस्तु के लिए हेतु बनता है। यहाँ पे हमारा ये आया ब्रह्मविदाप्नोति परम परिभाषा के तहत सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसकी व्याख्यान करते भगवान भाष्यकार वहाँ पे तस्मात आत्मना आकाश संभूत ऐसा आया हुआ है। तो आपने जगत का अभिन्न निमित्त पतन कर तस्मात वे तस्मात उस इस ब्रह्म रूपी आत्मा से, आपने ब्रह्म से उत्पत्ति माना तो ब्रह्म को जगत को पतन कारण माना। संसार में कहीं भी उपादान कारण होता है वो क्या होता है, परिच्छिन्न होता है, जड़ होता है। कोई भी उपादान कारण परिच्छिन्न भी होगा जड़ भी होगा, दोनों को निषेध कर दिया सूत्र, जड़त्व को निषेध किया ज्ञानम और परिच्छिन्न का निषेध किया अनंत। ठीक है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य मतलब त्रिकाल आवर्तनम, तीन मतलब उसका अस्तित्व हमेशा विद्यमान है, वो जड़ नहीं है और वो परिच्छिन्न भी नहीं है। ये तीनों देखिए निषेधात्मक रूप में प्रतिपादन करने ब्रह्म को, काल परिच्छिन्नता नहीं है, जड़त्व नहीं है, वस्तु परिच्छिन्नता देश परिच्छिन्नता नहीं है, ये लक्षण जाएगा कहाँ जाएगा, निर्विशेष में। इसी कोई सच्चिदानंद वो सतरूप है, वो चित्रूप है, एफर्मेटिव ईश्वर है। एक ही शब्द हम दोनों के लिए प्रयोग करते हैं, जब उसके एफर्मेटिव वे में अर्थ करेंगे तो वो ईश्वर में बैठेगा, और जब निषेध रूप में बोलेंगे तो निर्विशेष में चले जाएगा। निर्विशेष क्योंकि ईश्वर के द्वारा निर्विशेष लक्षित होता है, ईश्वर उसमें शब्द प्रयोग निर्विशेष के लिए होता ही नहीं है, निर्विशेष के लिए तो निषेध रूप में ही बोलना पड़ेगा। तो एक ही शब्द को देखिए इतना सुंदर प्रयोग किया, जब आप सच्चिद अनंत बोलेंगे, अनंत मतलब आनंद, जो भी घूमा था तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। निर्विशेष में ले जाएंगे, काल परिच्छिन्नता नहीं है, जड़ से नहीं है, वस्तु देश परिच्छिन्नता नहीं है, निषेध रूप में भी होता है। तो यहाँ पे ये प्रश्न अन्न सचैव ही मतलब क्या हो गया, जैसे गुण गुण के हेतु बनता है, क्रिया क्रिया के हेतु बनता है, इसी प्रकार कोई परिच्छिन्न द्रव्य किसी परिच्छिन्न वस्तु का हेतु बनते हैं। ठीक है, अब बताओ द्रव्यत्वम अन्नत्व भाव, ये जो आत्मा में द्रव्यत्व धर्म और अन्नत्व भाव हमसे भिन्न, क्योंकि सभी में अस्थि रूप में अनुसूत है, आत्मा सभी में अस्थि रूप में अनुसूत है, उससे भिन्न करके कुछ है ही नहीं, अन्नत्व भाव उसमें है ही नहीं, और द्रव्यत्व धर्म नहीं है, अस्थूलम अनलम अहस्यम अलसम अलहितम, इसे द्रव्यत्व धर्म को सारा निषेध कर दिया श्रुति वेदांत श्रुति में। परंतु क्या हो गया, द्रव्य धर्म भी नहीं है आत्मा में, और क्या हो गया, गुण धर्म गुण भी नहीं है, निर्गुणत्व अपने आप ही बोलते हैं, तो परिच्छिन्नता भी नहीं है। द्रव्यत्वम अन्न भाव, आत्मा में द्रव्यत्व धर्म और अन्न भिन्नता के भाव नहीं है, सभी के अंदर अहय रूप में अनुसूत है आत्मा, सभी के अंदर धर्मानाम नपद्यत्य, धर्म से यहाँ पे जीव को कहना चाहते हैं, जीव को समझते, जीव जो है यहाँ पे किसी के अंदर आत्मा किसी को बोल रहे परिच्छिन्न रूप में दिखाई पड़ेगा, उसमें ये होना युक्ति संगत नहीं है। मतलब क्या हो गया कि आत्मा से किसी चीज की उत्पत्ति होना संभव नहीं, आत्मा को तो जगत का कारण बताए, तस्मात भाई तस्मात आत्मा ने बोला, इससे देखो मुंह है वहाँ के, पहले ब्रह्म वेद आत्मा के परम बोला, फिर क्या बोला, तस्मात भाई तस्मात आत्मा ने, इसी से सब उत्पत्ति, इसीलिए ब्रह्म नहीं प्रतिष्ठा हम, अब समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं, है ना, यही आत्मा जो है जगत सृष्टि का अधिष्ठान है, परंतु उसमें परिणाम होने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि परिच्छिन्न वस्तु में सावय वस्तु में परिणाम होना संभव है, परिच्छिन्न वस्तु में अपरिच्छिन्न वस्तु में परिणाम होना संभव है, परिणाम होगा तो पूर्ण रूप से परिणत हो जाएगा। जैसे हमारे सांख्यवादी मानते हैं वहाँ पे जो दूध दही में परिणत होता है, आपने दूध में जामुन डाल दिया, आधा दही होगा आधा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, पूरा के पूरा हो जाएगा, ऐसा होता है। इसीलिए यहाँ पे द्रव्य द्रव्य हेतु से अन्न अन्न से चैव ही द्रव्यतम अन्न भाव,
द्रव्यत्व धर्म अथवा अन्य भिन्नता की परिच्छिन्नता है धर्मानुपद्यते। किसी भी जीव में ये धर्म शब्द बार बार बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं क्यों? पहले प्रश्न उठाया था आपका विज्ञान यदि एक है क्योंकि ये उपाधि भेद से भिन्नता की प्रतिनिधित्व है उसको अनुवाद करते हैं अब आइए एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर यहाँ पे क्या बोलते हैं क्या द्रव्य कपाल आदि द्रव्य मतलब आधा अर्थ भाग एक घड़ा के आधा भाग को कपाल बोलते हैं कपाल बोलते हैं दो कपाल को मिला देंगे घड़ा होगा तो कपाल घड़ा के लिए हेतु बनते हैं एक द्रव्य द्रव्य के लिए हेतु बनते हैं कपाल आदि द्रव्यश द्रव्य क्या मतलब द्रव्यम द्रव्यश घट आदि घट आदि का द्रव्य मतलब कपाल रूपी द्रव्य घट रूपी द्रव्य का हेतु बनते हैं द्रव्य द्रव्य से हेतु से इसी प्रकार धागा रूपी द्रव्य पट का हेतु बनते हैं ये द्रव्य से हेतु से ठीक है दे सकते हैं कोई असुविधा नहीं है मृत्यु का लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा मृत्यु भी द्रव्य है और कपाल मतलब वो उल्कम पे घट के लिए दो कपाल मिल करके दो इसको ये असमवय कारण होते हैं मृत्यु का तो उसको पालन करना है असमय दोनों कपाल को जोड़ना दोनों कपाल के संयोग असमवाय कारण है कपाल उपादान कारण है उनके पास भिन्नता है दोनों कपाल को जब मिलाएंगे वो जो दोनों कपाल के कपाल संयोग वो कपाल संयोग को असमवाय कारण बोलते हैं और कपाल तो उसको उपादान कारण है आप मृत्तिका ले सकते हो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा मृत्तिका उपादान वो भी परिचिन्न है कपाल स्पष्ट रूप से परिचिन्न तो समझ में आता है कपाल में इसलिए अन्नत मतलब घटादि भिन्नम कपाल आदि ठीक है ना अन्नत मतलब घटादि मतलब परिचिन्नता दिखा रहा है यहाँ पे मतलब वो कपाल क्या है जो घट बनने के लिए हेतु है घट के उपादान कारण है वो घट किससे भिन्न है घटादि भिन्न कपाल आदि घट से भिन्न है वो कि अन्नत अन्न से हेतु है क्यों न्याय दर्शन के अनुसार क्या है वो असत कार्यवादी है वो कार्य कारण में नहीं देखता कार्य एक नया वस्तु को उत्पन्न करता है जो पहले से उसमें विद्यमान नहीं है और उत्पन्न वस्तु अपनी उपादान कारण के समवाय संबंध से जुड़ जाता है अद्भुत सिद्धांत है असत कार्यवादी है ना आरंभवादी है आरंभवादी है असत कार्यवादी है एक नया वस्तु की उत्पत्ति होती है तो इस पर यहाँ पे क्या बोलता है जो घट संपूर्ण जो कपाल से घट संपूर्ण भिन्न वस्तु है घट जो है कपाल से संपूर्ण भिन्न वस्तु है अब इसीलिए यदि उसको असुविधा होता है आप इसीलिए अन्न मतलब द्रव्य गुण 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 के लिए हेतु होता है और क्रिया क्रिया के लिए हेतु होता है ये समझने के लिए आपको अपना लगे इसलिए मैं उसको पहले समझाया अन्न अन्न से हेतु से मतलब क्या उन्हीं के सिद्धांत के अनुसार ये गुण गुण के लिए हेतु हो रहा है क्रिया क्रिया के लिए हेतु हो रहा है इसी प्रकार कपाल और घट भी वो बिल्कुल अलग मानते हैं कपाल और घट कपाल मतलब आधा भाग घड़ा के आधा सेमी हेमिस्फीयर वो आधा कपाल भाग है ना वो क्या होता है पूरा घट एक नया घट बनाता है इसलिए घट से वो कपाल बिल्कुल भिन्न वस्तु है अन्न अन्न से हेतु से अन्न मतलब कपाल घड़ा के लिए तो बनेगा ऐसा उनके सिद्धांत है यदि यहाँ पे मन नहीं लगता कोई बात नहीं गुण से गुण द्रव्य से द्रव्य क्रिया से क्रिया उत्पन्न होती है समझ में आ जाता है स्पष्ट फिर आगे चार नंबर टिप्पणी बोलते हैं अन्न से कपालादि अन्य घटादि अन्न अन्न से मतलब कपालादि अपने से भिन्न घटादि का हेतु बनते हैं अन्न अन्न से हेतु से मतलब कपालादि अपने से भिन्न घटादि का ही हेतु बनते हैं टिप्पणी का घट में ही पकड़ के रखा इसे मैं तो जानता था इसलिए मैं घट को पहले नहीं उठाया क्योंकि वो दूसरे जगह समझ जाएंगे तब ये समझ में आ जाएगा उनके सिद्धांत के अनुसार घट और कपाल दो बिल्कुल भिन्न वस्तु है मृत्यु का अथवा घड़ा दो बिल्कुल भिन्न वस्तु है वेदांति क्या बोलते हैं घड़ा तो मृत्यु का संस्थान विशेष है सुवर्ण अलंकार सुवर्ण का एक संस्थान विशेष है सुवर्ण से बिल्कुल भिन्न नहीं है कभी भी आप सुवर्ण को छोड़ करके अलंकार को नहीं देख सकते हैं मृत्यु का को छोड़ करके घड़ा को आप नहीं देख सकते हैं उनके सिद्धांत के अनुसार ये कपाल और घड़ा भिन्न वस्तु नया वस्तु उत्पन्न करते हैं असत कार्यवादी है आरंभवादी है उनको यही लड़ाई क्या करता सत से सत की थोड़ी ऊपर विद्यमान घट की फिर दोबारा कैसे उत्पन्न होगा विद्यमान इसलिए उसको असत मानो नहीं है ऐसा मानो वेदांति क्या समाधान देते हैं वेदांति क्या समाधान देते हैं वेदांति जब सृष्टि की मान्यता देकर उसको समझाते हैं तब बोलते हैं हम सत कारणवादी हैं कार्य कारण में विद्यमान रहता है कारण रूप में रहते हैं फल तो कारक व्यापार सफल हो जाता है
यदि उसको असत कार्य होते क्या बोलता है, यदि मतलब शिल्पी को वहाँ पे मूर्ति दिखाई दे मृत्यु मूर्ति तो फिर वो छीलता क्यों है, क्योंकि उदा नहीं होना चाहिए था। और ये बोलता है यदि है नहीं तो नहीं उत्पन्न कैसे होगा। तो वेदांत समाधान तो लड़ो नहीं, सामान्य बात यह है कार्य कारण में कारण रूप में रहता है वो दिखाई देता है, मतलब मृतिका से खरा उत्पत्ति हो सकता है और फिर जो है सरसों से तेल मिल सकता है, बालू का से नहीं मिल सकता, इसलिए उसी को प्रदान करते हैं, दूध से दही मिलता है, परंतु हमें कुछ व्यापार चाहिए तो व्यापार नहीं तो परिवर्तन परिणत होता है। इस प्रकार से मन वेदांति तो मुख्य रूप से सत कारणवादी है, कारण ही एकमात्र सत्य कार्य रूप में कभी परिणत हुआ ही नहीं प्रतीति मात्र बोलते हैं अन्न कपालादि अन्न घटादि ही अन्न घट का वो हेतु होता है। ये चार हो गया टीका में आगे देखिए कहाँ पे कारणत्व होना संभव है, कहाँ पे सावय वस्तु का कारण बनता है। अर्थ यहाँ पे क्या बोलता है सजातीय विजाति सदैव सौम्य इदम अग्रासीन एकम एव अद्वितीय आत्मा का इदम अग्रासीन न अन्यत किंचित विषय। इस प्रकार से सृष्टि के शुरू में तत्व कैसे दिखाया गया, तो जहाँ पे अवयव नहीं है तो उस निर अवयव वस्तु में परिणाम कैसे होगा, परिणाम होना संभव ही नहीं है। इसलिए आप ये बोलते हैं कि अवयव गुणा अवयवी गुणेशु समान जातीयेशु असमवायी न दृष्टि जो है असमवायी का अनुरूप में दिखा रहे हैं। पहला वाला कैसे अवयव अवयव द्रव्यम अवयवी द्रव्य से उपादान, हाँ पहले तो ये दिखाया आपको, क्या दिखाया कि अवयव द्रव्य और अवयवी द्रव्य को उपादान बनते हैं, अनेक अवयव को मिलकर के एक अवयवी बनता है, जैसे ईट पत्थर लकड़ी आदि मिलकर के अवयव है, अवयवी हो गया एक पीढ़ी, ठीक है ना, हाथ पैर सिर मथा आँख मन ये सब अवयव है, ये हो गया शरीर, हो गया उसका अवयवी, पूरा शरीर का अवयवी बनेगा। तो अब इसी प्रकार से यहाँ पे बोलते हैं अवयव द्रव्यम अवयवी द्रव्य से उपादान, मतलब एक सावयव वस्तु, एक सावयव वस्तु के लिए उपादान बन सकता है, ठीक है ना, निर अवयव वस्तु किसी को उपादान नहीं बन सकता। इसलिए बोलते हैं अवयव क्या होता है, अवयव में जो गुण है वो गुण अवयवी में जाता है, गुण से गुण में जाता है, इसलिए अवयव गुणश्च अवयवी गुणेशु समान जातीयेशु असमवायिन दृष्टा, समान जातीय गुण को उत्पन्न करते हुए असमवायिक कारण से होते दिखाई देता है असमवायिक रूप से। अवयव गुणश्च अवयवी गुणेशु अवयव क्या हो गया तंतु का रूप, तंतु रूप ध्यान देना, मैं ये हो गया अवयव का गुण, अवयव हो गया तंतु और उसका गुण हो गया उसका रूप तंतु रूप, तंतु अवयवी गुणेशु अवयव हो गया पट, पट के रूप में वो कारण बने, पट के रूप में कारण बने, ठीक है ना। इसलिए अवयव गुणश्च अवयवी गुणेशु समान जातीयेशु जिस प्रकार का गुण यहाँ विद्यमान है उसी प्रकार का रूप उत्पन्न करेगा। ये लाल रंग की तंतु में अगर लाल रंग है लाल रंग के गुण है तो तंतु अगर सिल्के है तो आपका उसमें जो है रूप में उसी प्रकार की गुण दिखाई देगा। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि समान जातीयेशु असमवायु असमवायी कारण से उत्पन्न होता है ऐसा दिखाई दिया, असमवायी न दृष्टि असमवायी कारण से उत्पन्न होता है। सात नंबर टिप्पणी में क्या बोल रहे हैं कि द्रव्य ग्रहणम उपलक्षणीकृत, यहाँ पे जो द्रव्य को लेकर उपलक्षण द्रव्य गुण क्रियातीन है ना, क्योंकि द्रव्य का आश्रम में रहने वाला एक भगवान वाच्य में सुंदर शब्द बोले कि यह स्वतंत्र रूप से गुण और क्रिया कुछ नहीं कर सकते द्रव्य के आश्रय हुए बिना, द्रव्य का आश्रय हुए बिना कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे इसलिए बोलते हैं द्रव्य ग्रहणम उपलक्षणीकृत, द्रव्य ग्रहण को उपलक्षण बना करके अवयव इतना अवयव शब्द प्रयोग किया, मतलब द्रव्य हो गया अवयव, अवयव एक द्रव्य है और अवयव भी एक द्रव्य है और अवयव में रहने वाले गुण अवयव में समान जाति गुण को उत्पन्न करेगा, अवयव में रहने वाले गुण अवयवी में एक समान जाति गुण को उत्पन्न करेगा, लाल तो लाल रूप उत्पन्न करके ऐसे रूप एक गुण होता है स्वादिष्ट। अच्छा सातवां आगे बोलते हैं न च एवं आत्मन द्रव्यतम जिन समवायितम, आत्मा के द्रव्यत्व की धर्म नहीं है, क्यों द्रव्य जहाँ कहीं भी होगा वो सावय होगा परिच्छिन्न होगा, परंतु आत्मा सावय भी नहीं है परिच्छिन्न, सभी वादियों ने इतना मामले में सभी वादियों ने हरे मतलब अस्तिक दर्शन में आत्मा को व्यापक माना, आत्मा को निर अवय माना, सभी वादी की ये मान्यता है। जब व्यापक विभू में परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न में परिणाम कहाँ से हो पाएगा, परिणाम कहाँ से होगा, सांख्यवादी ने कम से कम अच्छा कर दिया कि पुरुष में परिणाम प्रकृति में परिणाम मान लिया,
और इस माध्यम ने किया क्या, उसके ऊपर गुण की आरोप करके फिर गुण को धोने का कोशिश करते हैं, गुण को धोने का कोशिश, साबुन लगा कपड़ा गंदों का साबुन लगा के धोने का। भगवान भास्कर की शब्द ही गंध को पूछा नहीं, भगवान भास्कर लिखते हैं भजन करते हैं। यहाँ देव बोलते हैं कि न च एवं आत्मन द्रव्यत्व जन समवायित्व, इस प्रकार से आत्मा में द्रव्यत्व रूपी धर्म भी नहीं है जैसे कि आत्मा किसी का समवायी कारण बन जाए, इस प्रकार पट के प्रति तंतु समवायी कारण होता है ना। तो आत्मा जब द्रव्य धर्म होता तो जाता बस चला बस के समवायी कारण बनता, समवायी कारण में क्या है मतलब जब तक द्रव्य रहेगा तब तक उसमें गुण रहेगा, ये उनकी मान्यता है। समवायी कारण इससे बनता है, वो जब तक द्रव्य है तब तक वो रहेगा। अब बताओ द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहता है, द्रव्य में गुण समवाय मतलब जब तक द्रव्य रहेगा तब तक गुण रहेगा। तो आत्मा में जो आपने इच्छा दे सुख दुख धर्म धर्म प्रयत्न संस्कार ये आपने गुण माना आत्मा में, उसको कितना भी धो जब तक आत्मनाश नहीं होगा तब तक इस गुण का भी नाश नहीं होगा तुम्हारे चिंतन के अनुसार। इसीलिए क्या बोलते हैं कि द्रव्य हर गुण को अलग करके समझना ही मुक्ति है, आप यही उनके सिद्धांत यही है। अच्छा इस पंक्ति का एक बार देख लेते हैं कि न च आठ नंबर टिप्पणी देखिए, आठ नंबर एवं कपाल आदिवत न च एवं आत्मन द्रव्यत्म, जिस प्रकार कपाल में द्रव्यत्व धर्म है और समवय कारण बनते हैं घट के प्रति, इस प्रकार आत्मा में द्रव्यत्व धर्म नहीं है तो बोला तो किसी का समवय कारण नहीं बन सकता। द्रव्यत्व धर्म का पूर्ण रूप से निषेध आप जो अखिल हमारा बृहदारण्यकोपनिषद तृतीय अध्याय के अष्टम ब्राह्मण में मतलब तो ज्ञान गार्गी ने पूछा था कश्मीर में आकाशोत्तर पर उसके उत्तर में जेत अक्षर की उसके अक्षर के निरूपण करते हुए 25 निषेध किया, 25 शब्दों के द्वारा निषेध किया, द्रव्य धर्म गुण धर्म क्रिया धर्म सब का निषेध करते होंगे श्रुति स्वयं होते यहाँ पे कि एवं कपाल आदिवत न च एवं आत्मन द्रव्यत्म जन स्वयं न चूपान क्वचित असमवायित्व गुणगुण भाव से अन्न तस्वीन दुर्वचन द्वितीय। अब बोलेंगे अब जो है आपने क्या बोला कि तंतु का रूप पट रूप के लिए हेतु बनता है, तो आत्मा में तो हम तो निरूप मानती है, गुण में गुण नहीं रहता, रूप में रूप नहीं रह सकता है, गुण में गुण नहीं रहता, द्रव्य में गुण नहीं तद रूपानाम क्वचित असमवायित्व, इस प्रकार उसे रूप असमवय संबंध होगा ये भी होना संभव नहीं है। क्यों गुणगुणी भाव अन्न तस्मिन दुर्वचन गुणगुणी भाव, गुण जहाँ पे रहते हो गया गुणी, आत्मा में तो कोई गुण नहीं नहीं, इसलिए गुण गुणी भाव भी आत्मा में नहीं है। जैसे कि आत्मा में अंदर रहने वाले गुण एक दूसरा द्रव्य में उसमें अगर सजातीय गुण की उत्पत्ति कर देगा ये भी नहीं कह सकते हो। इस प्रकार तंतु में एक रहित नामक लाल रंग गुण है तो पट में क्या करेगा लाल रंग की एक सजातीय गुण मतलब एक गुण रूप उत्पन्न करेगा। आत्मा में तो कोई गुण है ही नहीं तो उससे उत्पन्न होगा जो वस्तु जिससे कि गुण आधान कर सकते होना भी संभव नहीं है, है ना। और परिच्छिन्न भी नहीं है ये भी इसका अन्नत्व भी नहीं है वहाँ पे न चद रूपाणाम कचित असमवायित्व गुण गुणी भावस्व एक और अन्नत्व यहाँ पे स्व बोलने से अच्छा होगा गुणगुणी भावस्व और अन्नत्व तस्मिन दुर्वचनता गुणगुणी भाव मतलब अन्नत्व भिन्नता परिच्छिन्नता अन्नत्व मतलब भिन्नता परिच्छिन्नता ये आत्मा में नहीं है एक दुर्वचनत्व ये कहना वहाँ पे कठिन हो जाता है। इति अर्थ ये श्लोक आनंद गिरिजी ने श्लोक का अर्थ कर दिया। तद रूपानाम नौ नंबर टिप्पणी मतलब आत्मीय गुणानाम और 10 नंबर असमवायित्व असमवाय कारणत्व गुण है ही नहीं आत्मा में कोई तो असमवाय कहाँ से बन पाएगा ये अभिप्राय आज ही के रखेंगे तो आप एक हफ्ता बाद शुरू होगा कल अवकाश होगा और महाराज जी आएंगे तो उसी क्लास को हम लोग अटेंड करेंगे सुबह शाम 2 टाइम का तो वो भी पाठ बन रहेगा और हम लोग सुबह अटेंड करेंगे और फिर जो है इसी को दोबारा शुरू करेंगे तब तक थोड़ा मनन के लिए रास्ता खोल गया कि नए वैसे मुझे क्या हो रहा कि कैसे आत्मा में होना संभव नहीं है। आज पहला बना अजम अपियोनियोग प्राप्तेश्वर्य योगा अगति चति मताप्यदेकं ह्यनेकं विविध विषय धर्म ग्राहिमुखेक्षणानां प्रणत भय विहन्त्रि ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बालरायनं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।